मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखकर घंटों जाम कर दिया। सूचना पर संबंधित थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मारीपुर बढ़ई टोला के रहने वाले 45 वर्षीय राकेश कुमार को शुक्रवार की देर शाम काम से घर लौटने के क्रम में अज्ञात बस ने ठोकर मार दी थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानियों के द्वारा आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत से आक्रोशित स्थानियों ने मुआवजे की मांग को लेकर मारीपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस मुआवजे का आश्वासन देते हुए आक्रोशित स्थानियों को शांत कराया। एक्सीडेंट हो गया, हमको नहीं पता कैसे बस बस स्टैंड के अंदर हुआ। बस स्टैंड सरकारी बस स्टैंड कल हुआ था, कल 8 बजे सुबह में कैसे हुआ, बस से हुआ था। लकड़ी का काम करते थे। राकेश शर्मा, मंजू शर्मा के हैं, राकेश कुमार शर्मा नाम है इनका जी। ये कल सुबह में तैयार होकर ड्यूटी के लिए निकल रहे थे, सरकारी बस ने इनको धक्का मार दिया जी। और सड़क भी जाम किए थे जी, सड़क जाम किए थे सरकार से मुआवजा के लिए। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, प्रशासन ने दिया, कहा है कि यहाँ जो बन पड़ेगा वो किया जाएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम है मिथिलेश शर्मा। एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में कल मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर रोड जाम था, हम लोग आए और यहाँ पर समझाने के बाद जो है सो रोड जाम क्लियर हो गई है। इनका केस जो है सो एक्चुअली इनका पोस्टमार्टम भी हो गया है, फरदान भी हो गई थी कल, हम लोग बात कर लिए हैं, वहाँ से फरदान में आके टाउन थाना में या जहाँ का मैटर होगा केस कर दिया जाएगा। जाम समाप्त हो गई है। हाँ, मारीपुर के निवासी हैं राकेश कुमार। राकेश कुमार जी है। जाम खत्म हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कुछ ठोका नहीं, कोई बस अज्ञात बस है उसी द्वारा धक्का मार दिया गया था।